आपके साथ। जमीनी विवाद को लेकर एक बार फिर पूर्णिया में जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। मधुबनी थाना अंतर्गत मधुबनी चौक में दो गुटों के बीच हुए झड़प के बाद देखते ही देखते मामला गंभीर हो गया और तेज कैंची से एक शख्स ने हमला करना शुरू कर दिया। पूरी घटना चचेरे भाइयों के बीच हुई। पीड़ित के भाई ने बताया कि उनके चचेरे भाइयों से जमीनी विवाद काफी दिनों से चला आ रहा है। आरोप है कि सोनू और जयप्रकाश मधुबनी बाजार से गुजर रहे थे कि रास्ते में ही उनके चचेरे भाई बबलू केसरी और रमेश से कहासुनी हो गई। इसके बाद दोनों भाइयों पर बबलू और रमेश ने धारदार कैंची से वार कर दिया, जिससे दोनों भाइयों को गंभीर चोट आई है। पीड़ितों को सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। सर, मेरा जगह जमीन है, अपना दियादी जमीन है, ये लोग बेच देता है। हमारा भाई उधर से आ रहा था, बोला काहे बेचते आप लोग, तो उधर से बाइक से आया, बस चक्कू लिया, कैंची लिया, कैंची लेके घरा भाग भोग 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 पूरा भोग दिया, उनको भी भोका पूरा। तो हम लोग दौड़ के आए, तब किसी तरह बचाव करके हॉस्पिटल लेके आए हैं।